राधे राधे दोस्तों दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास चल रहा है और बस आखिरी समय है, 2-4 दिन रह गए हैं, तो हमें पुरुषोत्तम मास के 28वें दिन किस चीज़ का दान करना है। तो पुरुषोत्तम मास के 28वें दिन पड़ रही है तिथि द्वादशी और प्रदोष। तो इस दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो बताया है वही हम आपको बताएंगे। और दोस्तों यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो राधे राधे जरूर से लिखिएगा। चलिए बतलाते हैं पुरुषोत्तम मास के 28वें दिन हमें किस चीज़ का दान करना है। तो पुरुषोत्तम मास के 28वें दिन हमें मालपुआ पर जल के पात्र का दान बताया है, वो जल रखकर उत्तम फल हेतु के लिए। यदि आपको उत्तम फल चाहिए तो आप मालपुआ पर जल का पात्र का दान करें। जो लोग मालपुआ दान कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना उस दिन, उन्होंने दूसरा बताया है कि पुरुष के वस्त्र का दान करना। आप पंडित, जो पंडित हैं आपके यहाँ, उनके उनके वस्त्र का दान कीजिए, जो पहनते हैं वही कपड़े उनको दान कर दीजिए। तो दोस्तों आपको कोई चीज़ 33, ये पुरुष के वस्त्र वगैरह जो बताया है वो कोई चीज़ 33 नहीं देनी है। आप 33 चीज़ें आप दिन के हिसाब से दे लीजिए, आपको आपने जो चीज़ नहीं दी है वो 33 चीज़ें गिन के दे दीजिए और 33 नाम जरूर से भगवान विष्णु के लेकर ही दीजिएगा। कोई भी चीज़ दे रहे हैं 33 भगवान के नाम लीजिए फिर उसको दीजिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, राधे राधे।